मिशन जो मेरा विकास का वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और कहने में कहीं संकोच नहीं है कि मोदी जी पूरी तरीके से सफल रहे हैं। उनका परिणाम आज मतदान केंद्र पर आपको देखने को मिल रहा है। कहते हैं मोदी की गारंटी है, एकदम 100% गाड़ी है, गारंटी है मोदी जी की। मोदी है तो मुमकिन है सबका। ऐसा क्या है, 1,66,645 वोट से हमारे ढुल्लू महतो जीत रहे हैं, आप पब्लिश कर दीजिए। तो दोस्तों हम आए हैं मटकुरिया में, मटकुरिया में जहां पर मतदान हो रहा है वहां पर लोगों से रुझान जानेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि चुनावी ऊंट किस करवट बैठने वाला है। इस बार का चुनाव बेहद गर्मा गर्म है, बेहद गर्मा गर्म इसलिए है क्योंकि एक तरफ ढुल्लू महतो है और एक तरफ अनुपमा सिंह है। अनुपमा सिंह के जो कारिंदे हैं वो ताल ठोक रहे हैं कि अनुपमा सिंह आ रही है, और जो हमारे ढुल्लू महतो के सपोर्टर है वो भी ताल ठोक रहे हैं कि वो भी आ रहे हैं। क्या भाजपा एक बार फिर यहाँ पर परचम लहराएगी, क्या नरेंद्र मोदी का वेब एक बार फिर धनबाद में कमाल करने वाला है? आइए लोगों से रुझान जानते हैं, लोगों से जानने की भूमिका बांधते हैं। तो सर पहले अपना नाम बताइए। नितिन भट्ट। सर ये बताइए इस बार क्या होने वाला है, क्या परिवर्तन होंगे या फिर एक बार फिर वापसी होगी, पुनः वापसी होगी? ये तो आपको देखने समझ में आ रहा होगा, आप बगल भी गए और यहाँ भी आए हैं, तो आप तो प्रेस वाले हैं, निष्पक्ष आप देखते हैं, तो आपको तो समझ में आ गया कि रुझान किस तरह है। लोग पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी जी के साथ जुड़े हुए हैं। लोगों ने भले अलग अलग तरह की राजनीति की, तरह तरह का दुष्प्रचार किया, लेकिन परिणाम आज आपके सामने में है। जनता पूरी तरीके से इतनी उत्साहित है कि इतना उत्साह कभी हम लोगों ने नहीं देखा था। पूरी तरीके से विकास के मुद्दे पर कहिए और एक अच्छा नेतृत्व कहिए, उनके साथ जुड़ी हुई है पार्टी पूरी तरीके से, और साथ में ढुल्लू महतो जी का जो गरीबों के बीच की उनकी जो पहचान है वो भी आज बहुत काम कर रही है। सर इसमें नो डाउट कि इस बार विपक्ष भी अच्छा खेल रहा है। विपक्ष क्या अच्छा कर रहा है वो तो आप देखिए ना, आप नजर उघाट है, खाली उधर देख लीजिए ना, 5 आदमी उनके पास नहीं है बैठने के लिए, और यहाँ देख लीजिए सैकड़ों की संख्या में लोग है। समझ में आ रहा है उत्साह लोगों को, कार्यकर्ता का, जनता का उत्साह आप देखिए ना। तो उसमें ढुल्लू साहब आ रहे हैं। अरे आना हंडे, ये भारतीय जनता पार्टी की सीट है और भारतीय जनता पार्टी की सीट रहेगी, और ढुल्लू महतो जी भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। ये आपको परिणाम केवल इस क्षेत्र का मैं नहीं बता रहा हूँ, आप यहाँ से कहीं भी घूम लीजिए। नहीं मैं भी घूम रहा हूँ, मैं टेम्पल रोड से आ रहा हूँ, वहाँ कुछ लोग थे जो रोजगार की बात कर रहे थे। लेकिन सर ये भी सच्चाई है कि रोजगार कोई पॉकेट में नहीं है, कोई निकाल के दे दे। जैसे आज का दौर है, जैसे सोशल मीडिया धारक है, यूट्यूबर है, जब वो वीडियो बना रहे नरेंद्र मोदी बुलाते हैं, इसमें सच्चाई है कि आज का युवा जो फ्री में चाहता है, ये तो आपको बात मानना पड़ेगा। युवा काम करना नहीं चाहता, और नरेंद्र मोदी कहते हैं स्वावलंबी बनो, जब काम करना नहीं चाहिए स्वावलंबी। ऐसा नहीं है कि युवा काम करना नहीं चाहता, आज ऐसे युवा है हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद एक अलग मंत्रालय बनाया गया, कौशल विकास का, जिनका नाम दिया लेकिन गया सर, जो कौशल में जाएंगे वही ना। जी जी मेरी बात समझिए ना, अगर जिनको रोजगार चाहिए तो उनको तो कहीं तो रोजगार के लिए, या तो अगर नौकरी करनी होगी तो नौकरी करने के लिए जाना होगा। तो जो आदमी अपना बिजनेस करता, अपना व्यवसाय करता, अपना उद्योग चलाता है, उनको मोदी जी ने कौशल विकास योजना के माध्यम से पहले हुनर देने का काम किया, और जब उसके पास हुनर आ गया तो वो गरीब व्यक्ति है तो मुद्रा योजना के तहत उसको लोन दिया कि जाके तुम अपना काम चालू करो, उद्योग धंधे चालू करो, स्टार्टअप इंडिया, ये सब क्या है, हम भी उसी का हिस्सा है। बिल्कुल आप भी वही है, और ये रोजगार 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 बिल्कुल चाहिए रोजगार, और रोजगार मोदी सरकार दे रही है। आज आपने देखा कि जिस तरीके से पूरे भारतवर्ष में कहीं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी नहीं दिखती थी आपको, आप देखिए हजारों की संख्या में धनबाद में टोटो चल रहे हैं। तो टोटो जब चल रहे हैं तो उनका व्यवसाय है, उनका जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिला कि नहीं मिला? बिल्कुल से, बिल्कुल। ये मोदी जी चाहते हैं कि मेरा जो है मिशन, जो मेरा विकास का, वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, और कहने में कहीं संकोच नहीं है कि मोदी जी पूरी तरीके से सफल रहे हैं। उनका परिणाम आज मतदान केंद्र पर आपको देखने को मिल रहा है। कहते हैं मोदी की गारंटी है, एकदम 100% गाड़ी है, गारंटी है मोदी जी की। मोदी है तो मुमकिन है, सबका साथ सबका विकास। कितने वोटों से ढुल्लू साहब जीत रहे हैं आप? देखिए भारी मतों से जीतेंगे, भारी मतों से, गिनती आप लोग करके उस दिन बताइए। चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, उस दिन मिलेंगे आपसे और लोगों से हम बात करेंगे। चचा इधर आइए, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम जयेश याग्निक। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में, क्या लग रहा है? आप खुद सोचिए कि क्या लगना चाहिए, जो राष्ट्रीय पार्टी के नेता खुद अपनी पार्टी को वोट नहीं दे सकते, उस पार्टी का अस्तित्व क्या हो सकता है? आज राजीव गांधी वोट देने जा रहे हैं झाड़ू छाप में, और केजरीवाल जी वोट देने जा रहे हैं हाथ के बात बता रहे हैं। जो राष्ट्रीय नेता अपनी पार्टी को वोट नहीं दे सकता, उस पार्टी का अस्तित्व क्या रहेगा, वो आप खुद। चलिए आप दिल्ली की बात करें, बड़ा दिलचस्प मामला है, जो केजरीवाल महिलाओं को कहते थे महिलाओं का सम्मान, क्या लग रहा है केजरीवाल का क्या होगा? चलिए केजरीवाल पुराण वो आपको 4 तारीख के शाम को पता लग जाएगा क्या होगा, 4 तारीख के शाम को पता लग जाएगा।
100% जाएंगे। चलिए और बात करते हैं सर, क्या लग रहा है चुनाव में इस बार आपको? बीजेपी मोदी 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 बीजेपी बीजेपी जीते। बीजेपी कितने कितने वोट? हमें तो लग रहा है कि पिछले बार के जीत को भी पार करेंगे, इसी बार की जीत को पार करने वाले हैं। तो क्यों, क्या गारंटी है इस बार जो भाजपा आएगी आपकी नजर में? सब आप देखिए, काम तो सब जगह हो ही रहा है, अब हम लोग भी काम कर ही रहे हैं, हम लोग पास कहाँ का लोग अच्छा है सब कुछ चल ही रहा है भैया। हम लोग सिंपल सी बात है, डायरेक्ट हम लोग हेडक्वार्टर सेंट्रल देख रहे हैं, जो राम को लाए हम उनको, जो राम को लाए हैं वो भी है, राम को लाए उनको लाए है, बिजनेस भी हम लोग को मिल रहा है, समाज है तो मुमकिन है, विकास हो रहा है। क्षेत्र स्तर पर बात करें तो बड़ा कानून व्यवस्था बड़ा यहाँ पर, धनबाद की स्थिति बड़ी खराब है। देखिए हल्का मलका कौन ऐसा शहर बचा हुआ है जहाँ पर दिक्कत नहीं है? ये तो हर जगह की बात है, हर जगह की बात है, पहले थोड़ा है तो वो थोड़े दिन बाद धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आज हमारे यही डुल्लू महतो जी सबसे पहले बात उठाने वाले हैं, सबसे पहला जो दर्शक चल रहा था धनबाद, मेहनती आदमी है डुल्लू महतो जी, कर्मही आके बात उठाए, कर्मश मेहनती माफिया को भगाना है जो, अब वो विकास करेंगे उम्मीद। अच्छा, है भैया गिरिडीह में भी चुनाव चल रहा है, गिरिडीह में एक बंदा है जयराम महतो, जैसे मान लीजिए हम लोग बाहर से हैं, लोग यहाँ हमारे पूर्वज आए रोजगार किया कोलरी में, आज हम लोग हैं, वो बंदे को देखते हैं तो थोड़ा सा अजीब तरह का होता है हम लोग के अंदर। समाज के लिए समर्पित है युवा, जो है अपने युवा कर्मठ है, कर्मठ है, लेकिन उनका नहीं चलते वाले से थोड़े से मामला शिथिल होता नजर आता है, इसके बारे में क्या कहिएगा? नहीं नहीं उसका देखिए वो उसका अपनी राजनीति है, वो उनकी अपनी राजनीति है, वो अपना अपना राजनीति अपना पैट बनाने के लिए कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आज चौधरी निकल रहे हैं, उम्मीद तो पूरी है 100% पिछले 100% झारखंड की जो पिछली सीटें थे उनसे बढ़ के सीटें आएंगी और अच्छे मतलब अच्छे मार्जिन से। 14 में से कितनी सीटें भाजपा से निकाल सकते हैं? हमको तो लग रहा है इस बार 14 के 14 ही है, 12 हमको तो लग रहा है 14 के 14 आ जाएंगे। चलिए और लोगों से बात लेते हैं, रुझान लेते हैं, चाचा एक और है। देखिए ऐसा क्या है, 166,645 वोट से हमारे ढुल्लू महतो जीत रहे हैं, आप पब्लिश कर दीजिए कितना, 166,645 वोटों से जी। ये हम लोग तो कोई ऐसा आम आदमी है, हाँ, रात में सो रहे हैं सपने में आए, 166,645 वोटों से हमारे ढुल्लू जी जीत रहे हैं, ये कंफर्म है। चलिए ठीक है, और लोगों से बाइट लेते हैं। बोलिए, हमारे प्रधानमंत्री जो पहले थे वो कुछ भी होता जस्ट कंप्लेन करते थे कि ये कर गए, आज के दिन में हमारा वो नहीं है। हिंदुस्तान जो है आज कुछ भी होता है तो उसको जवाब उसी की भाषा में दिया जाता है, तो ये एक हमारा एक परिवर्तन है और एक हमको गर्व होता है, हमें गर्व होता है कि आज भारत जो डिफेंस के हथियार है वो खुद बनाने लगा, बनाने लगा, भारत अपने हथियार विदेश में आयात कर रहा है, और भारत निर्यातक नहीं है, हाँ, आयातक भी है, हाँ, और साथ साथ हमने पढ़ते थे बोफोर्स घोटाला, ये घोटाला आज तक खला घोटाला, हाँ, ये घोटाला, और आज भारत जो है खुद जो हथियार बनाने में निपुण है, और अपने कल का एक न्यूज आया था जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसके बारे में पूर्व सरकारें सोचती रही, आज भारत दुनिया को बेच रहा है। सही बात, सर क्या उसके अलावा भी है, जैसे पाकिस्तान की बात होती थी वो अटैक करके चले जाते थे, आज वो खुद डर रहे हैं कि LOC कैसे बचाएगा, सबसे बड़ी बात ये होती है, ये है आज कि पाकिस्तान डर रहा है कि भारत हाँ उसकी मीडिया को ले पीओके ले ना ले आज वो डर रहा, उसकी पूरी मीडिया लगी पड़ी हुई है कि ये 6 महीने का टारगेट दिए हुए हैं, इस ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, इसका डर उसको आज सता रहा है। पहले हम लोग डर के साये में जीते थे, आज डरा के जीते। ये बात तो है, बहुत बड़ी बात है ये हमारे देश के लिए, ये युवा ये सब चीजें देख रहे हैं, जरूर देखेगा ना, क्योंकि सर, ये दो तरह की चीजें हैं, हम लोग पत्रकार, हम लोग बहुत शहर में घूमे, धनबाद में भी घूम रहे हैं, एक पढ़ा लिखा हुआ युवाओं में वो बोलता नहीं है, वो साइलेंट वोटर है, और एक वो होता है जो कम पढ़े लिखे हैं, जो पार्टी सपोर्टेड रहते हैं, उन्हें बेरोजगारी नजर आता है ना, कि आज सरकार के लिए हर आदमी को सरकारी नौकरी देना पॉसिबल नहीं है, हो भी नहीं सकता पॉसिबल, तो यही चीज तो खाली हल्ला किए रहते हैं कि बेरोजगारी आज जैसे बताए हैं कि आज जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है तो उसमें कितने आदमी को काम मिलता है, आज ये होम लोन जो ये सब ये लोन जो मिलती है मुद्रा जो है वो छोटे छोटे दुकानदार आज एक छोटा धंधा चालू करते हैं उसमें 4 आदमी 5 आदमी काम कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, नौकरी ही मिला ना, अब पॉसिबल थोड़ी है कि हिंदुस्तान में जितने 140 करोड़ है सबको सरकारी नौकरी मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है, और आप बोल रहे हैं कि सबको सरकारी नौकरी, जो राष्ट्रीयकरण हुआ था
और सरकारी नौकरियां जो मिली थी लोगों को सरकार नियंत्रण में लिया था, अब की आबादी कौन, अब की आबादी क्या है? मेरे परिवार वाले, मेरे दादाजी नौकरी किए बीएसएल में, तब राष्ट्रीयकरण का दौर था, अब मैं तब में बहुत अंतर है, आबादी भी बढ़ गई है, तरीके भी बढ़ गए हैं, संसाधन भी लिमिटेड हो गया है। अधिकतर हमारे सरकारी विभाग में आपने देखा ही होगा कि अधिकतर सरकारी विभाग इतने साल पहले जो भी था वो लगभग लॉस में ही जाता था। ऐसा क्या जरूरी है कि आप उससे अच्छा कि एक रॉयल्टी बांध दीजिए ना, आप इतना रॉयल्टी हमको लेना है और बाकी सारे को नौकरी दे दीजिए, शायद उसको प्राइवेट दे दीजिए, लेकिन ये नहीं, ये तो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। अरे तो सरकार जो पहले बीसीसीएल में पहले बीसीसीएल का था, जो पैसा लॉस में जाता था वो किसका पैसा, हमारा ही पैसा जाता था ना, टैक्स पेयर का पैसा जाता था, तो आज के दिन क्या है, वो पैसा बंद हो गया, तो हमारा पैसा बचा ना। अच्छा, ये लोग कहते हैं कि प्राइवेट कर दिया, आप देख लीजिए YouTube पर सब कुछ उपलब्ध है, YouTube पर पाकिस्तान का रेलवे देख लीजिए, हिंदुस्तान का रेलवे देख लीजिए, भारत में बुलेट ट्रेन आ रहा है और पाकिस्तान में 60वीं शताब्दी का ट्रेन चल रहा है, ये दिखता है कि मुकाबला कहाँ है? कारण यही है ना कि आदमी क्या है ना कि जो आजकल के पढ़े लिखे और जो समझदार है, जैसे आपने कहा कि बोलते नहीं सब समझ रहे, और एक जो है हमारा क्या है कि हम एक पार्टी कार्यकर्ता है, हमको ढोना ही है, बोलना ही पड़ेगा, हम बस उसके अगेंस्ट में हम जा नहीं सकते हैं, हम कितना भी समझेंगे बोलेंगे लेकिन उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकते, बस यही कारण है। वो लोग भी हैं जिनके परिवार वाले कभी राज करते थे, परिवार वालों को वो फायदा नहीं मिला, क्योंकि मोदी सरकार में गारंटी नहीं है कि कौन क्या है, कोई क्या है, क्योंकि परिवार वाले तो नजर नहीं आता, बस बस परिवारवाद खत्म कर दिए, जिनके परिवार फलित फुलित थे, पुष्पित थे, उनको नहीं मिल रहा है, उसीलिए बोल रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, बस 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 वही चीज है। बदलाव यानी अभी जो चल रही है सरकार है, यानी अपनी बीजेपी की, इसमें करप्शन जो कम हो गया है, घोटाले कम हो गए, तो हम किसी चीज की बदलाव नहीं है कि विपक्ष कोशिश नहीं किया करप्शन निकालने का, उन्हें मिलेगा तब नहीं निकलेगा, होगा तब निकलेगा, मिलेगा तब नहीं, होगा तो मिलेगा, ये बात है। होता ही नहीं, 2G कोलगेट जीजा जी जितने हमने इनके राज में ही देखे, हाँ, वर्दी घोटाला, जूते घोटाले, सब घोटाले हुआ आपके पास है, तो अच्छा ये एक सिस्टम ये चालू हुआ कि जितने भी बड़े बड़े नेता है उनको पकड़ा जा रहा है, तो आप हल्ला करते हैं कि नेता पकड़े तो अच्छा है ना, आप भी अगर सत्ता में कल आते हैं तो आप पकड़िएगा, इनको भी पकड़िए, पब्लिक के लिए तो अच्छा ही है, हम लोग किसी पक्ष के बारे में नहीं बोल रहे हैं कि आप इन्हीं को पकड़िए, आपको अगर ऐसा लगता है कि इन्होंने घोटाला किया तो आप इनको भी पकड़िए, तो एक तो ये अच्छा एक रास्ता निकाला ना कि बड़े बड़े नेता को पकड़ना, और ये भी है कि उसकी एजेंसी उनके शासन काल में ही पकड़ा गया वो घोटाला, बिल्कुल वही बात है, यूपी आज हाँ उसी शासन काल में पकड़ा गया है, इसके शासन में नहीं पकड़ा गया, एजेंसी तो वही है, अगर होती तो इस बार भी पकड़ा जाता। चलो सर, आखिरी प्रश्न है इनका है, अब होगा न्याय, ना जाने क्या न्याय करेंगे मुझे पता नहीं, और ये जो अल्पसंख्यक विरोधी होने का जो स्वांग रचते हैं, मोदी साहब कहते हैं खास में कंप्यूटर है, खास में कुरान, तो अल्पसंख्यक विरोध होने वाली बात कैसे? विरोध होने वाली कोई बात नहीं, आज उनकी जो भी योजना है वैसा नहीं है कि खाली मुसलमानों के लिए या हिंदू के लिए है, आज जो ये दूसरी पार्टी जो है वो क्या सीधी डायरेक्ट बोलते हैं कि नहीं हम इनका जो रिजर्वेशन है उसको लेके हम इनको देंगे, जनधन योजना, ये योजना, फला योजना, सबका सुविधा वो लेते हैं, लेकिन वो जो विरोध की बात, खैर अपनी अपनी देखिए सोच है, आज नहीं तो कल बदलेंगे, आज किसी को भी, आज हम आपको रोज आपको कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, आप हमारे बहुत विरोधी है, लेकिन कुछ दिन के बाद आप नहीं समझेंगे तो आपके बेटे या आपके भाई या कोई भी है वो घर में आपके जरूर बोलेंगे, नहीं नहीं ये भैया जो है बहुत मदद कर रहे हैं, हम उनके साथ जाएंगे, तो कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है, उम्मीद कर सकते हैं, जरूर जरूर हमें उम्मीद करना चाहिए, बदलाव होगा इनकी मानसिकता में धीरे धीरे होना है, मुझे तो नहीं लगता हमारा काम है बदलाव, मैं इनके साथ रहता हूँ, काम करता हूँ, ये बदलते नहीं है, तकिया करते हैं, मतलब यहाँ कुछ और बोलेंगे वहाँ कुछ और, हमारा काम है लेकिन अच्छा धीरे धीरे आ जाएंगे, लाइन में आ जाएंगे। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।